18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंद समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। भारत बंद के दौरान तोड़फोड़ किया गया है। स्कूल बस के शीशे तोड़े गए हैं। आपको बता दें कि डायल 112 वाहन का भी घेराव किया गया। पुलिसकर्मी से नोकझोंक भी हुई है। भीम आर्मी के समर्थकों का बवाल देखने को मिला। नगर थाने के RR मोड़ पर नेशनल हाईवे 27 पर बवाल मचाया गया। SP ने आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज की है। जेल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि गोपालगंज से खबर सामने आ रही है जहां पर बंद समर्थकों ने गुंडागर्दी की है। बता दें आपको एक स्कूल वैन को, स्कूल बस को बताते चलें आपको, स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये देखिए आग लगाने की कोशिश स्कूल बस में आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं और इस बस में बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि किस मानसिकता के साथ ये लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं कि स्कूल बस में जहाँ पर जिस बस में बच्चे बैठे हुए हैं उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि आग नहीं लग पाई आपको बता दें। साथ ही साथ कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप है यहां पर बंद समर्थकों पर। बता दें आपको जमकर गुंडागर्दी की गई है। पुलिस की गाड़ी पर भी आपको बताते चलें कि कहा जा रहा है तोड़फोड़ किया गया है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि स्कूल बस के शीशे तोड़ दिए गए। स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश की गई और डायल 112 वाहन का घेराव भी किया है। पुलिसकर्मी से नोकझोंक की भी खबर सामने आई। भीम आर्मी के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया है। अब आप सोचिए कि ये जो यहाँ पर समर्थक हैं, स्कूल जो भारत बंद का समर्थक कर रहे हैं, वो स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश करते हैं जिस बस में छोटे छोटे बच्चे हैं। बता दें आपको इस मामले के बाद अब काफी ज्यादा लोग आक्रोशित हो चुके हैं। आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज किया गया है। जेल भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इसमें बिल्कुल साफ से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई है स्कूल बस में। SP ने जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। कई लोगों पर FIR दर्ज की गई है। News18 बिहार झारखंड ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। स्कूल बस में छोटे छोटे बच्चे सवार हैं। आपको बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। जिस तरीके से क्रीमी लेयर की बात सामने आई है आरक्षण के मामले में, इसको लेकर के लोग नाराज हैं और उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे News18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, खबर सामने आ रही है कि स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश की गई है बंद समर्थकों के द्वारा, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बंद समर्थकों के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और सुबह से ही कई निजी विद्यालय जो थे उसे बंद कर दिया गया था स्कूल प्रशासन की ओर से। लेकिन कई ऐसे विद्यालय थे जो खुले हुए थे, तो उन विद्यालयों के बच्चे जो है घर लौट रहे थे स्कूल से। इस दौरान नगर थाना क्षेत्र के RR मोड़ के पास एक बस थी और बस में तकरीबन 50 से अधिक बच्चे थे। उस बस में भी आग लगाने की कोशिश बंद समर्थकों के द्वारा की गई। हालांकि वहां जो मौजूद लोग थे, मौजूद पुलिसकर्मी थे, उनकी तत्परता से हादसा टल गया और फिर स्कूल बस को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बाद एक छोटी और स्कूल मैजिक वाहन पहुंची, उसमें भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई और वहां पर जो बाइक सवार महिलाएं थी, बच्चों को लेकर घर जा रही थी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। यानी कि इस पूरे मामले में जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर SP ने गंभीरता से लिया है और SP ने इसकी जो है वीडियो भी जारी किए हैं और ये कहा है कि इसमें जो सभी लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक उपद्रवी की फिलहाल पहचान कर ली गई है और उस पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने के लिए इस वक्त छापेमारी की जा रही है। और SP ने साफ तौर पर कहा है कि इस उपद्रव में शामिल जितने भी लोग होंगे उनकी एक एक तस्वीर की पहचान की जाएगी और सभी लोगों पर FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारियों ने गुंडागर्दी दिखाई है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह से वाहनों में क्षति पहुंचाई गई है, पुलिस के साथ भी नोकझोंक की गई है, इसको लेकर एक बड़ा जो है गंभीर सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल गोविंद, और देखिए नाराजगी सरकार से और क्षति जो है व्यक्तिगत लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर SP ने भी कहा है कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरने की बात कही गई थी तो फिर गुंडागर्दी क्यों की गई, और जब स्कूल की वाहन को शिकार बनाया गया, स्कूली बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार की गई, तो ये एक गंभीर मामला और ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन कभी अभी इन लोगों को किसी भी हाल पर बख्शने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसे मामले में जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आए हैं, पुलिस ने भी वीडियोग्राफी कराई है, खुद पुलिस ने इसका वीडियो भी एक जारी किया है और ये कहा है कि इसमें जितने भी लोग होंगे, जिन लोगों ने कोशिश की है, जिन लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्र दुर्व्यवहार की है, उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पर सदर SDM जो है डॉक्टर प्रदीप कुमार, सदर SDPO प्रांजल के साथ पूरी पुलिस की टीम इस वक्त RR मोड़ पर पहुंची हुई है और स्थिति को शांत कराने में जुटी हुई है।
ठीक है गोविंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।